एक्साइज 17, 18 आवागी 18 पक्का शीट खोलो सब लोग 18, 19, 20, 21 काम कराए 21, 22, 22 सोच लो 23, 23 सोच लो निकाल लिया था सबने ये गुड शाबाश 24, 24 सोच लो 25 वो वन बाई आर क्यूब इसलिए आएगा देख टोटल क्यू चार्ज है कितना चार्ज है क्यू उसने बोला अच्छा अगर पूरी रिंग पे टोटल क्यू चार्ज हो तो सेंटर पे रिवील हमने मान लो इसके इतना पोर्शन काट लिया डीएल तो सोच इस डीएल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे थी उसको इधर वाला डीएल कैंसिल आउट कर रहा था बाकी सब तो दूसरे कैंसिल आउट कर ही रहे तो कैंसिल आउट आई पर अब इस डीएल की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने वाला कोई भी तो बेसिकली डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ना वही हमारा बोलिए सुन लो अब डीएल में चार्ज कितना है क्यू बाई 2πr इंटू डीएल तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ऊपर डी जिसकी वैल्यू हुई के क्यू बाई 2πr डीएल बाई आर स्क्वायर तो डी इज जनरली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ तो डी इज जनरली प्रोपोर्शनल टू 1/ इसलिए वो 1/r³ आ रहा है कंफ्यूज ना हो हाँ कहां पहुंचे 25, 26, 27, 28, 29 पक्का काम कराए 30, 32, 31 अरे काम कराए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ऐसा नहीं बेटा पूछने लायक नहीं है 38 हो गया ना 39 काम कराए 39, 40, 40 पक्का सोच लो 41, 41 अरे काम कराए 42, 42 सोच लो 42 हो गया पक्का सच्ची क्लियर है एग्जाम 43, 43, 43, 44, 44 अरे पक्का सोच लो 45, 45 सोच लो 44 हुआ कि नहीं हुआ क्या करा इसमें मैं इसकी तीन वैरायटी बताता हूँ ध्यान सुनना रफ्तार में जो क्लास में भी बताया जा सकता है अभी तीन वैरायटी ऐसा मॉडर्न में भी आता है कहां पे आता है मॉडल में जब आपने पढ़ा होगा अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड मॉडल में क्या गोल्ड न्यूक्लियस होता है जिसपे कि अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं कुछ टेढ़े चले जाते हैं और कुछ बहुत सारे में से कुछ एक ऐसा होता है जो इसे कहते हैं फॉर्मेट फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर्मेट फॉर तीन सवाल करते हैं जल्दी से सुने ये Q1 फिक्स्ड मान लो एक Q2 चार्ज जिसका मास m है V0 रफ्तार से फेंका गया अनंत से पूछा जाए मिनिमम कितनी दूरी तक पहुंच जाएगा फाइंड आउट द मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम ध्यान से ना तीन वैरायटी है यहां पे भी आ सकती है मॉडल में भी आ सकती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आ सकती है ध्यान से मिनिमम अप्रोच कैसा लगे इसमें फिक्स्ड है तो आके ये चुपचाप के यहां पे रुक जाएगा ये Q1 ये Q2 मिनिमम दूरी तब होगी जब क्या Q2 आके रुक जाएगा Q2 आके रुक जाएगा पर क्या यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व्ड है मोमेंटम मोमेंटम तो ये फिक्स्ड है क्योंकि ये तो एनर्जी कंजर्वेशन करेगी चुपचाप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 + ½ m V0² + ½ m = k Q1 Q2 / r minimum + 0 क्या r मिनिमम निकल आया यस और नो सेकंड सवाल वो आ रही वैरायटी जो भी आपको दी गई मान लो Q1 है मास m है ये Q2 है मास m है V0 रफ्तार से फेंका गया अनंत से पर ये फ्री है क्या है तो जब ये पास आएगा तो ये भी चलेगा क्या राइट चलेगा लेफ्ट
राइट, इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? इसकी रफ्तार, इन दोनों का सेपरेशन तब तक घटता रहेगा जब तक दोनों की रफ्तार बराबर। अरे क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम याद है? भूल गया भाई साहब, ये Q2, जब Q2 की रफ्तार हो गई V और इसकी रफ्तार भी हो गई V, क्या दोनों के बीच की दूरी R मिनिमम आ गई? दो वेरिएबल R मिनिमम और V, बताओ कौन सी दो इक्वेशन? क्या सिस्टम में मोमेंटम इज कंजर्व? मोमेंटम इज कंजर्व मतलब MV नॉट इक्वल टू क्या 2MV? यार हाँ ना बोल। और एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर मिनिमम प्लस हाफ ऑफ टू इंटू एम इंटू वी का होल स्क्वायर। वी मान लिया मैंने, अरे हाँ ना बोले यार। कितने इक्वेशन वेरिएबल कितने? सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। यार तो नहीं आया, ये दूसरी यूनिटी का जो आपकी शीट में सवाल है। था जो बोला चमका, yes, यार हाँ ना बोल। yes, एक और तीसरी वेराइटी, मान लो Q1 है फिक्स्ड है, यहां से अनंत दूरी से डी दूरी ऊपर, इसे इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। एक चार्ज Q2 जिसका मास m है, ऐसे भी नॉट से फेंका गया। सवाल अभी भी सेम, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, प्रथम Q2 का पाथ कैसा होगा? मतलब सीधा कि टेढ़ा? कैसा? थोड़ा अंदाजा बताओ कैसे जाता हो? यार नहीं आया, पक्की बात? कुछ तो शायद इसका पाथ इस प्रकार का होगा, क्या आर मिनिमम ये होगा, उस समय रफ्तार जीरो होगी, क्या ऐसे भी होगी? yes, नहीं आया, आया। कितने वेरिएबल? वेरिएबल कितने हैं? एक आर मिनिमम और एक भी। तो क्या दो इक्वेशन चाहिए? yes, एक इक्वेशन पक्का कहां से? yes, उसमें कोई बुराई नहीं। लिख डालो, जीरो प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर मिनिमम प्लस हाफ ऑफ एम वी नॉट एम वी स्क्वायर। यस और नो? प्राण पखेरू बोलो चमका। yes, दूसरी क्वेश्चन, क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं। क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, सर्कल नहीं है वो, दैट पार्ट इज नॉट ए सर्कल। ऐसे थोड़ी लगा लेते, पागल है क्या? सर्कल की इक्वेशन है वो, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो। ऐसी गलती मत करो, ये आर मिनिमम इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। ऐसे हर जगह एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं लगा सकते हो आप। एम वी स्क्वायर बाई आर में आर जो होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट आर्क एट दैट पॉइंट। यहां पे आर मिनिमम इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? ऐसी गलती तुम ग्रेविटेशन में इलिप्स में भी करोगे, अभी बता रहा हूं। कहां पे करोगे? ग्रेविटेशन में इलिप्स में। करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दिस पॉइंट ए। मान लो कि आपका चार्ज यहां पर है Q2, तो इस Q2 पर फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और Q1 पर फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू। क्या दोनों फोर्सेस पॉइंट ऐसे ही पास कर रहे हैं? yes, और हमेशा पास कर रहे हैं। yes, क्योंकि तो सेंट्रल फोर्स है। yes, तो नेट टॉर्क अबाउट ए क्या है? डल रेस्पॉन्स। नेट टॉर्क अबाउट ए क्या है? सो नेट टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम होता है एमआर क्रॉस वी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कुछ नहीं याद है, एमआर क्रॉस दैट कैन बी रिटन एज एमआर परपेंडिकुलर वी और एमआर वी परपेंडिकुलर। कुछ याद है? भूल गया है? याद है? भूल गया है? बोल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बोल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सब लोग बोलेंगे एम वी नॉट। तो डी आर परपेंडिकुलर हो गया है। डी क्या हो गया है? सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज एम वी नॉट डी। व्हाट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम?
इस पॉइंट पे सब लोग बोलेंगे कि एमवी आर मिनिमम कितनी इक्वेशन हो गई, वेरिएबल कितने खत्म? अरे तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया? ध्यान दे, तीन रिलेशन बिल्कुल सीरियस में, पहले में सिर्फ एनर्जी, दूसरे में एनर्जी प्लस मोमेंटम, और तीसरे में एनर्जी प्लस एंगुलर मोमेंट। क्या पिक्चर क्लियर है? नोट्स में उतार लो फटाक से। उतार लिया क्या? चला जाओ 45, 46, सोच लो 47, 46 में पूछा है हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? माइनस क्यू वी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई वी, तो ये ज्यादा तब होगी जब वी नेगेटिव होगा। अरे यार ये ज्यादा तब होगी जब वी, तो हमें ऐसी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ढूंढनी चाहिए जिन पे वी नेगेटिव हो। तो वी नेगेटिव माइनस वाले के पास होगा प्लस वाले के पास, तो या तो पॉइंट ए या फिर या पॉइंट बी, पर ए वाला पास है कि बी वाला, तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा? अरे तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया? बोलो क्लैरिटी एकदम। 47, 47, 48, 48, आवाज नहीं 48, 49, 49, अरे आवाज नहीं 49, 49, 50, 50, अरे पक्का? अरे 51, अरे 51, अरे 52, अरे 52, अरे 53, अरे काम कराए, अरे 54, अरे 54, 55, आवाज नहीं। अभी सब डाइपोल के हैं, एक बार और आज पढ़ लेना, थोड़े से हो जाएंगे तुम्हें। 55 तो आसान है खैर, फिफ्टी सिक्स सोच लो, काम कराई नहीं तुमने। 57, 58, 59, 59 सोच लो। 60, 60, अरे पक्का? अरे 61, अरे 61, अरे पक्का? अरे 62, अरे 63, 64, 64 सोच लो, काम कराई नहीं है। 65, 66, 66। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाइल मूविंग इन अ सर्टेन पाथ इज कॉन्स्टेंट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। नहीं, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाइल मूविंग इन अ सर्टेन पाथ इज कॉन्स्टेंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कि परपेंडिकुलर होती है? अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर घूमोगे तो वहां पे घूमोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ठीक है, दोनों गलत है। नहीं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर, ये तो सही है ही, पर पहला 67 डाउट है अभी। फॉर अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सर्कुलर रिंग इज नेट चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक पॉइंट ऑफ एक्सेप्ट जीरो। भाई नेट पोटेंशियल तो जीरो ही होगा, क्यों? नेट चार्ज जीरो है तो दूरी सबसे बराबर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये जरूरी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल तो जीरो हो गया पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अरे यार नहीं आया। फॉर अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग विद नेट चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सेप्ट, नहीं गलत है, तो सेकंड गलत है। बेसिकली पोटेंशियल जीरो होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है। और 68 पक्का? एक्सेस टू दी थी, कहां से कहां तक? नहीं, डिस्कशन कहां तक हुआ? एक्सेस टू कुछ भी नहीं हुई। एक्सेस टू प्रश्न नंबर एक,
दो दो सोच लो तीन तीन सोच लो चार चार अरे पक्का अरे चार अरे तीन हो गया चार पांच पांच इंटीग्रेशन है देख ऐसे देखो इस डायग्राम ये लेमडा कूलम पर मीटर ये रिंग चार ग्लास क्यूब दिया हुआ है इसकी वजह से फोर्स इन्फिनिट वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टू के लेमडा बाई आर तो यहां पे थीटा पे जाओ डी थीटा का एक एलिमेंट लो इसमें चार्ज हुआ क्यू बाई पाई बाई टू इंटू डी थीटा यस और नो इसकी वजह से यहां पर डिफील टू के लेमडा बाई आर तो जो छोटा सा फोर्स डी एफ लगा वो लगा 2k लैम्डा बाई आर इन टू क्यू यानी कि 2q बाई पाई बी थीटा अरे हाँ ना बोल yes, sir. यार मुझे लगा ही तुम्हें आया अच्छा इस फोर्स डायरेक्शन चेंज हो रही है कि फिक्स्ड है तो क्या दो कंपोनेंट करें हॉरिजॉन्टल और आप क्या इंटीग्रेट कर सकते हो yes, यार तुम्हें नहीं आया yes, अब कर पाओगे yes, सोच लो yes. हाँ भाई आज हम डी सला मेरा वो डाइपोल का है पी क्रॉस ई आप करना अगले टर्न करेंगे ठीक है।